हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डीपीएसपी के प्रोविजंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, कहां से आया इसका मतलब कि सोर्स के बारे में, क्या है डीपीएसपी, कौन कौन से आर्टिकल इसके साथ एसोसिएटेड है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपसे बात कर रखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डीपीएसपी से रिलेटेड केसेस के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, इसके अलावा जानेंगे कि कंट्रोवर्सी क्या क्या है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी ऐप, ध्यान से देखिएगा, तेजस कैरियर एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट तेजस कैरियर एकेडमी डाउनलोड कीजिए। ऐसे ही फ्री वीडियो के लिए आपको यहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है और डिफरेंट टाइप के हमारे यूट्यूब के सारे डिटेल्स कोर्सेज के बारे में आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर के बारे में, डीपीएसपी के पार्ट सेकंड के बारे में, क्या है, किस तरीके से पढ़ेंगे, इन सब के बारे में थोड़ा सा एक एक्नॉलेजमेंट हम यहां पे देख लेते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अभी तक जिन चीज़ों को हम लोगों ने डील किया, यानी कि हम लोगों ने अच्छे से समझा, इसके अलावे जो हमारे पास है वो है आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फैक्ट्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देखने वाले हैं क्रिटिसिज्म अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में हम चार केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। शुरुआत होगी चंपकम दोराई राजन केस 1951 और एंड होगा आपका मिनर्वा मिल केस राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ओके, तो चलिए इसके अलावे हमारे पास क्या क्या रहेगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी के बारे में हम बात करेंगे कि अभी तक डीपीएसपी को कहां कहां पे इंप्लीमेंट किया गया है और कौन कौन से एक्ट्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा आएगा लैंड रिफॉर्म के बारे में, पंचायती राज सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ, हेरिटेज प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंट, रूरल एरिया डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री एंड लेबर रिफॉर्म्स। क्लियर रहेगा, तो चलिए जानते हैं आज की सारी चीजों को डिटेल्स में। सबसे पहले चलते हैं फैक्ट्स में, ध्यान देंगे यहां पर। सबसे पहले हम आएंगे फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। फैक्ट्स में देखिए, यहां पर जितने भी हम लोगों ने आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक देखा, उसमें से कुछ ऐसे हमें फैक्ट्स मिले हैं जिनको संविधान संशोधन के बाद ऐड किया गया। तो सबसे पहला जो एडिशन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 में एक लाइन ऐड कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978। ध्यान दीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आर्टिकल 38 के तहत एक लाइन जोड़ा गया था। वो लाइन क्या था, ध्यान से देखिएगा, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 38 के तहत एक लाइन जोड़ा गया कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जितनी भी इनसिमिलरिटीज हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो अवसर की समानता, असमानताओं की कमी करना, सिंपली आप समझिए तो असमानताएं जितनी भी हैं उसको कम करना, असमानताएं चाहे वो सोशल स्टेटस को लेकर हो, इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के हो, या फिर अपॉर्चुनिटी को लेकर के हो, अवसर के लिए हो, किसी भी तरीके का अगर असमानता दिख रही है तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि अपने नागरिकों में इस अवसर की समानता को प्रदान करें, यानी असमानता को दूर करें। क्लियर रहेगा, पहला फैक्ट 38 के अंदर कब जोड़ा गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, भारतीय संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्लियर रहेगा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारा वो है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन अगर आप लोगों को पता होगा तो क्या ऐड किया गया है, शिक्षा के बारे में, किसका, तो ध्यान रखिएगा, सेम कंडीशन फंडामेंटल राइट में लाया गया, सेम कंडीशन आपका डीपीएसपी में लाया गया और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी रखा गया। तो जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 45 के, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 45 का जो सब्जेक्ट मैटर था, जो विषय वस्तु थी, उसे उठा करके भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21A के तहत जोड़ दिया गया, यानी शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। अब देखेंगे हम यहां पर कि क्या था वो आर्टिकल 45 का विषय वस्तु। तो गाइस ध्यान रखिएगा,
प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड अनुच्छेद 21 ए में, यानी कि आर्टिकल 21 ए में ये लाइन मेंशन कर दिया गया कि मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार भी शामिल होगा, शिक्षा का अधिकार भी शामिल होगा। अब किस तरीके से लिखा गया, तो ध्यान रखिएगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक, ध्यान देंगे, 14 वर्ष तक की आयु वाले जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन इसकी देखभाल की जिम्मेदारी जो होगी वो राज्यों की होगी। क्लियर? तो 45 की जो विषय वस्तु थी, आर्टिकल 45 की डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 45 की जो विषय वस्तु थी उसको 21 ए के साथ एसोसिएट कर दिया गया। क्लियर रहेगा? कब हुआ? तो ये हुआ आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। उस समय भाजपा गवर्नमेंट की सरकार थी, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। क्लियर रहेगा? चलिए, ये हो गई हमारे पास दो फैक्ट। तीसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा फैक्ट जो है वो है आपका आर्टिकल 43 से रिलेटेड, संविधान के आर्टिकल 43 से रिलेटेड, और ये आर्टिकल है 43 के बी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, 43 बी के बारे में, आर्टिकल 43 बी में 97 संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में कामगारों की भागीदारी के बारे में कहा गया। कामगारों की भागीदारी इन द सेंस, तो ध्यान रखिएगा, सहकारी समितियों की अगर हम बात करें, सहकारी समितियों को अपने इच्छा अनुसार, यानी कि अपने विश के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, अपना स्वायत्त कामकाज, यानी कि हमारी वर्किंग नेचर कैसी होगी, हमारी इन द सेंस कोऑपरेटिव्स की, सहकारी संस्थाओं की कामकाज का तरीका कैसा होगा, इसके बारे में जोड़ा गया। उसके अलावे लोकतांत्रिक नियंत्रण, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, इसके अलावे पेशेवर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या जोड़ा गया, तो आर्टिकल 43 बी में जोड़ा गया कि सहकारी समितियां अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वायत्त कामकाज, इसके अलावा पेशेवर प्रबंधन के अलावे अपना वर्किंग कल्चर, अपने कामकाज के तरीकों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगी। ये चीजें मेंशन कर दी गई 97th अमेंडमेंट 2011 में आर्टिकल 43 बी के तहत। क्लियर रहेगा? तो हम लोगों ने अभी तक यहां पे तीन फैक्ट्स देख चुके हैं। नेक्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें तो हम लोगों को यह चीज पता है कि आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी कैन नॉट बी इनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि डीपीएसपी को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, यह बता दिया गया। क्लियर? ऑलरेडी यहां पर हम लोगों ने यह देखा है कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक का जो हमारा डीपीएसपी का भाग 4 है, जिसके तहत डीपीएसपी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को रखे गए हैं, उसमें आर्टिकल 37 कहता है ये, यानी कि डीपीएसपी किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, कैनॉट बी एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर? तो ये एक फैक्ट हो गया। हम लोगों ने टोटल अभी तक 3+1 चार फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। कब पहली चीज कब हमने देखी, 44 यानी 44वां संविधान संशोधन 1978। दूसरी चीज कब देखी, 2002 का 86वां संविधान संशोधन। तीसरी बात हमने कब देखी, 97वां संविधान संशोधन 2011। और एक और फैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम डीपीएसपी को कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए हम आर्टिकल 32 का सहारा लेकर के, आर्टिकल 226 का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सेम यहां पर किसी भी कोर्ट में डीपीएसपी के अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते हो। क्लियर रहेगा? चलिए, ये बात हो गई आपके फैक्ट्स के रिगार्डिंग। अब हम आएंगे क्रिटिसिज्म पे। ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज की माने, जो भी संवैधानिक जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञों के बारे में अगर हम उनके तथ्यों को जाने, उनके विचार को अगर हम जानने की कोशिश करें, तो कुछ विचारक ऐसे हैं जिन्होंने डीपीएसपी के बारे में अपना अलग अलग थॉट दिया है, विचार दिया है। अब वो विचार क्या है, ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा
ये माना जाता रहा है कि डीपीएसपी का कोई भी लीगल फेस नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, इलॉजिकली अरेंज्ड, मतलब अतार्किक रूप से इसका अरेंजमेंट है, कहीं पर भी कुछ भी लिख दिया गया है, ऐसा लोगों का मानना है जो कि संविधान के विशेषज्ञ हैं। तीसरी बात, कहीं पर भी इसकी जो प्रवृत्ति है, नेचर जो है रूढ़िवादी है, ठीक है, इसकी प्रवृत्ति जो है वो रूढ़िवादी है। ध्यान से देखिएगा, नो लीगल फेस, उसके बाद इलॉजिकली अरेंज्ड, कंजर्वेटिव इन नेचर, और इसके अलावे क्या बोलता है, ये जो डीपीएसपी है हमेशा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में एक संघर्ष का कारण बना रहेगा, ये मानना है संविधान के विशेषज्ञों का। क्लियर रहेगा यहां तक। चलिए, तो ये हो गई आपके छोटे से क्रिटिसिज्म का पार्ट, कि क्रिटिसिज्म किस तरीके का है। तो इलॉजिकली अरेंज्ड है, कोई लीगल फेस नहीं है, हमेशा सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बना रहेगा। दूसरी चीज कि इसकी अगर हम बात करें तो विचार जो है, इसकी जो अभिवृत्ति है, नेचर जो है वो आपका हमेशा से रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्लियर रहेगा। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे। ध्यान से देखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, और इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए अगर हम बात करें, मौलिक अधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो टकराव है, इस टकराव को हम चार केसेस के द्वारा समझेंगे। कितने केसेस? चार केसेस के द्वारा समझेंगे। पहला केस, चंपकम दोराई राजन केस 1951। ध्यान से देखिएगा, पहला केस चंपकम दोराई राजन केस 1951। क्या है केस? बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल्स करेंगे तो यहां पे डिटेलिंग सही नहीं होगी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस हैं उसकी केस स्टडी बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी बस आपको बेसिक फैक्ट्स जानना है। हुआ यूं कि चंपकम दोराई राजन जी जो थे वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, ठीक है, मेडिकल की स्टूडेंट थी। कहां की थी? तमिलनाडु की। उस समय मद्रास मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें होती थी जो रिजर्व होती थी ब्राह्मणों के लिए, अदर स्टेट के लिए, एससी एसटी के लिए, दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों के लिए और दक्षिण भारत के लोकल सिटीजन्स के लिए। तो चंपकम दोराई राजन ने जब अपना एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी में, इस मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया तो उनको सीट नहीं मिली, और उनको यह कहा गया कि ब्राह्मणों के लिए आरक्षित सीटें जो हैं वो फुल हो गई हैं, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये बात चंपकम दोराई राजन जी को खटक गई, इन द सेंस लग गई बात, वो बोलते हैं ना दिल को छू के निकल गई, ठीक है। तो लेकिन यहां पे ये बात दी कि दिल को छू करके निकली नहीं, दिल में बैठी रह गई, और ये पहुंच गए आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे और इन्होंने हाथ खड़ा किया और कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 15 का वॉयलेशन हुआ है, आर्टिकल 15 का वॉयलेशन हुआ है। अब बात थी कि आर्टिकल 15 का वॉयलेशन किस तरीके से हुआ है, क्या कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 15, किस तरीके के हैं इसके प्रोविजंस। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर, उसके रेस के आधार पर, कि वो दक्षिण भारतीय है, वो पश्चिम भारतीय है, वो पूर्वी भारत से आता है, वो नॉर्थ इंडियन है, वो सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करता है, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि एक आर्टिकल और लगाया, कौन सा? आर्टिकल 29 क्लॉज 2। ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पे आपको फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, बेसिक फैक्ट्स आपको जो जानना है चंपकम दोराई राजन में क्या हुआ। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 के तहत ये पहुंची
226 आर्टिकल 226 की हेल्प से हवाला देते हुए पहुंच गई कहां, मद्रास हाईकोर्ट। और इन्होंने कहा कि 15 आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का वायलेशन हुआ है। क्यों भाई, 15 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि धर्म जाति इन सब के आधार पर किसी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी भारत के प्रीमाइसेस में, कोई भी भारत के प्रीमाइसेस में इंस्टीट्यूशन संस्था जो गवर्नमेंट एड से चलती है, अनुदान से चलती है, सहायता से चलती है, उसमें किसी को भी आप एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, बशर्ते कि वो इस जाति का है, इस धर्म का है, या इस रेश का है, या फिर वो महिला है या पुरुष है, या फिर किसी और क्राइटेरिया से बिलोंग करता है। ठीक है, ये कहता है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29 क्लॉज 2। अब इन दोनों को लेकर के पहुंची मद्रास हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट में ये केस जीत गई। कौन, चंपकम दोराई राजन के फेवर में जजमेंट आया। ये मुद्दा था 1950 के जस्ट बाद। सोचने वाली बात यह है कि 26 जनवरी 1950 को हम एक सोवरीन स्टेट का स्टेटस लेकर के पैदा हुए, मतलब एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे, और उसके जस्ट बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया गया चंपकम दोराई राजन के केस में, कि हमारे अभी अभी संविधान बना है और इसमें इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आने चालू हो गए। इसके बाद ये मैटर जो है ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, और अब ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने के बाद चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस बन गया। बहुत सारी चीजें जजमेंट हुई, बहुत सारी चीजों के ऊपर विचार विमर्श किया गया, टू एंड फ्रो बहुत सारी चीजों को चेक की गई, संविधान के सारे प्रोविजंस को फिर से एक बार रीड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जितने भी मौलिक अधिकार थे, डीपीएसपी थे, सभी की स्टडी की गई। और उस समय फैसला आया, जो जजमेंट आया उसको ध्यान से देखेंगे आप यहां पर। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों, ध्यान से देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के संघर्ष के मामले में अगर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, तो इस मैटर में पूर्व के प्रावधान ही मान्य होंगे। प्रीवियसली प्रोविजंस जितने भी रहेंगे वो मान्य होंगे, यानी कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों की सहायक कंपनी के रूप में चलाने के लिए, यानी डीपीएसपी जो है फंडामेंटल राइट्स के ऑक्सिलरी के रूप में कार्य करेगा। ध्यान से देखिएगा, सहायक के रूप में चलाने के लिए जाना जाता था, न कि डीपीएसपी का सुप्रीमेसी होगी फंडामेंटल राइट्स पे। यह जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, क्लियर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी समय में एक फैसला दिया, इस जजमेंट के साथ एक और फैसला दिया कि डीपीएसपी के मामले में, ध्यान से देखिएगा, और फंडामेंटल राइट्स के मामले में भारत की संसद जो है डीपीएसपी को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर भारत की संसद को लगता है कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है, तो उस केस में मौलिक अधिकारों के ऊपर संशोधन भारत की संसद कर सकती है। यह फैसला दिया गया 1951 के चंपकम दोराई राजन के केस में। अब इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, इट मींस कि यहां पे चंपकम दोराई राजन जी ने केस अपने हाथ से आगे, फैसला आया स्टेट ऑफ मद्रास के फेवर में, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर सुरक्षित है कि आपके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत डीपीएसपी को लागू कराने के लिए। इसका परिणाम क्या निकला, ध्यान से देखिएगा, परिणाम निकला पहला अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन, ध्यान से देखेंगे, पहला संविधान संशोधन, पहला फर्स्ट अमेंडमेंट
फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, ठीक है, परिणाम क्या निकला 1951 का पहला संविधान संशोधन। इसके अलावे ध्यान से देखेंगे चौथा संविधान संशोधन 1955, इसके अलावे सेवेंथ अमेंडमेंट ध्यान दीजिएगा 17वां संविधान संशोधन 1964, कौन कौन से, पहला, चौथा, फर्स्ट, फोर्थ और 17th, ये तीन संविधान संशोधन 1951, उसके बाद 1955 और 1964 में देखने को मिले। किसके लिए? डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कराने के लिए। भारत की संसद के पास जब पावर सुरक्षित हुई, अधिकार सुरक्षित कर दिए गए, राइट, यानी कि राइट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट टू कॉन्स्टिट्यूट और टू अमेंड द फंडामेंटल राइट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को यहां पर इंप्लीमेंट कराने के लिए संविधान में 1964 तक 17 संविधान संशोधन कर दिए गए। क्लियर रहेगा? ये था चंपकम दोराई राजन केस का कंक्लूजन। अब आते हैं हम सेकेंड केस के ऊपर, सेकेंड केस के ऊपर, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, सेकेंड केस के ऊपर आते हैं, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो मेन फैक्ट था वो था जमींदारी को लेकर के, जमीन के ऊपर, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर रहेगा? आईसी गोलकनाथ में आ गई बात राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के। कब आया केस? 1967 में, जिस केस में चंपकम दोराई राजन के केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है 1951 में कि सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कराने के लिए फैसला सुनाती है कि भारत की संसद के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कराने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और उसके बिहाफ में 17वां संविधान संशोधन 1964 तक हम पहुंच चुके हैं, यानी तीन संविधान संशोधन कर दिए गए डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन को लेकर के। अब यहां पे यू टर्न लेती है सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट यहां पर यू टर्न लेती है। कैसे यू टर्न लेती है? फैसला सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि भारत की संसद के पास कोई अधिकार नहीं है कि आप डीपीएसपी को लागू कराने के लिए फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर दें, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दें, ठीक है। अब देखना, एक तरफ 1951 में क्या सुनाया गया, संविधान संशोधन के तहत अगर हम बात करें, अधिनियम के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है डीपीएसपी को लागू कराने के लिए संसद के द्वारा, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि संसद जो है किसी भी सिचुएशन में मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं कर सकती है राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने हेतु। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है ध्यान से देखिएगा, जैसे ही यह जजमेंट आता है भारत की संसद 24वां संविधान संशोधन 1971 लाती है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में, इसके अलावे फिर से 25वां संविधान संशोधन लाया जाता है ठीक उसी साल 1971 में इंदिरा गांधी जी के सरकार के द्वारा, और क्या कहा जाता है देखना। अब इस कंडीशन में इंदिरा गांधी की सरकार ने इन दोनों एक्ट की अगर हम बात करें, पहला तो आ गया आपका 24th 1971 में, और 25th के तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 31 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 31 में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 31C, ठीक है, आर्टिकल 31C, और आर्टिकल 31C जब जोड़ा गया तो इसमें दो प्रोविजन रखे गए, ठीक है, आर्टिकल 31 जब जोड़ा गया तो इसमें दो प्रोविजन रखे गए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि 24वां और 25वां संविधान संशोधन 1971 में ला दिया गया,
24वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? 24वें संविधान संशोधन में, 24वें संविधान संशोधन में पहली चीज लाई गई, क्या पहली चीज लाई गई? मौलिक अधिकारों को कम करने और छीनने की अधिकार संसद के पास होगी, ये चीज कर दिया गया 24वें। 25वें में राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत आर्टिकल 31 के साथ 31C लगाया गया दो प्रोविजन के साथ। पहला प्रोविजन ध्यान दीजिएगा, पहला प्रोविजन कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39, 22 और 23 में समाहित है या निर्दिष्ट है, तो ऐसे केस में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद या आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल आपका यहां पे 31, इन सभी को नल एंड वॉइड नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या बोला गया कि अगर कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39 जो कि एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है डीपीएसपी का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 कोई भी समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करता है, ठीक है, लागू करने का प्रयास करता है, तो उस केस में आर्टिकल 14 के ग्राउंड पे, आर्टिकल 19 के ग्राउंड पे और आर्टिकल 31 के ग्राउंड पे नल एंड वॉइड नहीं होगा, यानी उसकी वैलिडिटी जीरो नहीं मानी जाएगी। अप्लाई जो है भारत की संसद डीपीएसपी को इन सब को ओवरहेम करते हुए अप्लाई कर सकती है, यानी लागू कर सकती है। ये परिणाम निकला आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, ठीक है। चलिए अब बात आती है चंपकम दोराई राजन, देखा हमने क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहां पे अधिकार करने की ताकत भारत की संसद के पास नहीं है, ठीक है। भारत की संसद जो है 1951 में क्या बोला गया कि भारत की संसद जो है संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी को लागू कराने के लिए मौलिक अधिकारों के ऊपर संशोधन कर सकती है, लेकिन 1967 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने तुरंत 24वां और 25वां संविधान संशोधन कर डाला। कांग्रेस बहुमत में थी, सेंटर में पावर में थी। अब उस केस में ये दो चीजें कर दी गई, कंक्लूजन क्या निकला, अलग अलग प्रोविजंस जोड़ दिए गए, ठीक है, अलग अलग प्रोविजंस जोड़ दिए गए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रोविजन पे। पहला प्रोविजन निकला कि डीपीएसपी लागू करने में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 को साइड करते हुए यहां पर डीपीएसपी इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की जा सकती है, नल एंड वॉइड नहीं होगा डीपीएसपी, ठीक है। अब आता है दूसरा प्रोविजन क्या ऐड किया गया, ऐसी कोई भी नीति को प्रभावी करने की घोषणा वाले, ध्यान से देखिएगा, प्रभावी करने वाली घोषणा वाले किसी भी अदालत में इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ऐसी नीति प्रभावी नहीं बनाता है, ठीक है, ऐसी नीति प्रभावी नहीं बनाता। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि आर्टिकल 31C में जो प्रोविजंस जोड़े गए उसमें ये मेंशन कर दिया गया कि जो आप फंडामेंटल राइट के ग्राउंड पे डीपीएसपी को इंप्लीमेंटेशन से आप अगर रोक रहे हैं, तो ये किसी भी कोर्ट में संविधान संशोधन करके ये मेंशन कर दिया गया कि किसी भी कोर्ट में लागू कराने से नहीं रोक सकती। चलिए ये दो कंक्लूजन निकले किसमें, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट आता है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट, ठीक है। अब ये क्या केस है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए क्या है ये, तो ध्यान रखिएगा, आईसी गोलकनाथ वाला जो केस हुआ और चंपकम दोराई राजन वाला जो केस हुआ, उन सारे केसेस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। केशवानंद भारती के केस में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे केशवानंद भारती के केस में क्या होता है कि चूंकि 25वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31C के दो प्रोविजंस के साथ इंप्लीमेंट कर दिए गए भारत के संविधान में,
लगा दिया गया भारत के संविधान में, तो केशवानंद भारती के समय में क्या होता है कि केरल गवर्नमेंट जो है पहली बार अपना केरल लैंड रिफॉर्म KLR केरला लैंड रिफॉर्म्स लाती है। कौन सी, कौन लाता है, तो केरल स्टेट की गवर्नमेंट। और केरल लैंड रिफॉर्म जब आता है तो उस दौरान केशवानंद भारती इडनीर मठ के मठाधीश थे, कहां के, इडनीर मठ के मठाधीश थे। और उस समय मठ की बहुत सारी जमीनें थी जो मठ को चलाने के लिए और मठ के रेवेन्यू के लिए एक सोर्स हुआ करती थी। अब केरल के गवर्नमेंट का जब लैंड रिफॉर्म आएगा तो उस केस में हुआ ये कि मठ की अधिकतर जमीनें जो है वो गवर्नमेंट के पास चली गई और मठ का डेवलपमेंट रुक गया, सोर्स ऑफ इनकम रुक गई। और इसके लिए राइट टू प्रॉपर्टी के तहत फंडामेंटल राइट के बातों को लेकर के केशवानंद भारती ने लीगल प्रैक्टिशनर नानी पालखीवाल, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, नानी पालखीवाला के बिहाफ में रिप्रेजेंटेटर बना करके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया राइट टू प्रॉपर्टी के तहत। राइट टू प्रॉपर्टी के तहत जब केस शामिल होता है सुप्रीम कोर्ट में, केस दाखिल किया जाता है, तो यह भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल केस स्टडीज माना जाता है। क्योंकि जैसे ही राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो उस दौरान 100 से भी ज्यादा केसेस की स्टडी की जाती है, रिव्यू लिया जाता है राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, मौलिक अधिकारों के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के रिगार्डिंग। और इसी समय क्या रिजल्ट आता है, बहुत सारे स्टडीज एक्सपर्टीज को देखते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट में 13 जजों की बेंच बैठती है इसकी सुनवाई के लिए और फैसला जाता है केरल स्टेट के फेवर में। क्योंकि जो 13 जजों की बेंच थी उसमें से 6 जजों ने केशवानंद भारती के फेवर में वोट किया था और रिमेनिंग 7 जो थे वो चले गए थे केरल स्टेट के फेवर में। और यहीं पे इस केस में अभी तक का सबसे लंबा चलने वाला केस था 68 डेज तक का, 1973 की घटना। और इस दौरान इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। और 73 में इस केस में जब 13 जजों के बेंच ने जब अपना फैसला सुनाया और फैसला गया केरल स्टेट के फेवर में, तो रिजल्ट क्या आता है उस पर गौर कीजिए। रिजल्ट आता है 42वां संविधान संशोधन। क्या आता है, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन अधिनियम। और इसके तहत जिस अनुच्छेद 31C को आईसी गोलकनाथ केस के बाद 25वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, उसके सेकेंड प्रोविजन, ध्यान से देखिएगा, 31C के पहले प्रावधान का एरिया बढ़ा दिया गया, मतलब दायरा बढ़ा दिया गया। यानी मान लो अभी एक कानून पे, एक मैटर पे लागू हो रही है, तो अब 4, 5, 6 पे लागू होगी। और 42वें संविधान संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी के तहत आर्टिकल 31C के पहले प्रोविजन का एरिया बढ़ा दिया गया, लीगलिटी बढ़ा दी गई, वैलिडिटी बढ़ा दी गई। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे बढ़ता है ये दायरा, उसी समय अनुच्छेद 14, 19, 31 इन तीनों अनुच्छेद के द्वारा जो भी मौलिक अधिकारें थी, इन मौलिक अधिकारों के ऊपर डीपीएसपी की सुप्रीमेसी दे दी गई। समझना ध्यान से, डीपीएसपी की सुप्रीमेसी दे दी गई आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 पे, राइट टू प्रॉपर्टी पे। इसकी राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को सुप्रीमेसी दे दी गई। दायरा इस कदर बढ़ाया गया कि दायरा बढ़ा करके भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और राइट टू प्रॉपर्टी अनुच्छेद 31 का सुप्रीमेसी कम कर दी गई
डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए, ये था यहां पर केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का केस स्टडी। क्लियर रहेगा। तो किस तरीके से यहां पे अभी तक आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले हर बार चेंज करती रही और हर बार संविधान संशोधन कर करके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डीपीएसपी की सुप्रीमेसी, कभी फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीमेसी और कभी डीपीएसपी को लागू कराने के लिए संसद की सुप्रीमेसी चेंज होते रहे। अब ऐसा ही एक केस आता है 1980 का मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस 1980 का। केंद्र में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो नेशनलाइजेशन एक्ट आया था, राष्ट्रीयकरण अधिनियम, राष्ट्रीयकरण नीति 1974 में। 1974 में उसी समय सीक इंडस्ट्री एक्ट भी आया था नेशनलाइजेशन के तहत, और कहा गया था कि जितने भी सीक इंडस्ट्री हैं, बीमार औद्योगिक जो है, उद्योग जो है, बीमार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ऐसे ही केस सामने आता है मिनर्वा मिल्स के केस में। इंदिरा गांधी जी को खबर मिली कि मिनर्वा मिल्स जो है ठीक है, बीमार है, नहीं चल पा रहा है ढंग से, तो मिनर्वा मिल्स के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ खड़े हुए राज नारायण, ध्यान से देखिएगा यहां पर राज नारायण, ये केस बना राज नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राज नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और जब राज नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है 42वें संविधान संशोधन में जिस अनुच्छेद 31C के दायरे को बढ़ाया गया था, ध्यान से देखिएगा, दायरे को बढ़ाया गया था, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया और नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। ध्यान से समझेंगे इस बात को। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट के मैटर पे संविधान संशोधन करके आर्टिकल 31C के फर्स्ट प्रोविजन का दायरा बढ़ाया गया, और सेम जब मिनर्वा मिल का केस आया 1980 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन के 31C के प्रोविजन फर्स्ट को, दायरा जो बढ़ाया गया था उसको अमान्य करार दिया, यानी वॉइड घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। और साथ ही साथ डीपीएसपी को, जो अभी तक 42वें संविधान संशोधन में सुप्रीमेसी दी गई थी डीपीएसपी को मौलिक अधिकार के ऊपर, वो मिनर्वा मिल के केस में डीपीएसपी की सुप्रीमेसी खत्म हो गई और डीपीएसपी को अधीन कर दिया गया मौलिक अधिकारों के, यानी फंडामेंटल राइट की सुप्रीमेसी ज्यादा हो गई डीपीएसपी के ऊपर, सुप्रीमेसी, सर्वोच्चता। ठीक है, ठीक है, चलिए अब ये बात आ गई, डीपीएसपी को तो मौलिक अधिकारों के ऊपर अधीन कर दिया गया, और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत जो थे उसके बीच में कोऑर्डिनेशन की बात, बैलेंसिंग की बात कही गई। ठीक है, बैलेंसिंग की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मिनर्वा मिल के केस में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, तो 42वें संविधान संशोधन के 31C के प्रोविजन फर्स्ट को दायरा जो बढ़ा था उसको कम किया गया, डीपीएसपी की सुप्रीमेसी जो मौलिक अधिकारों के ऊपर थी उसको हटा करके मौलिक अधिकार को ऊपर कर दिया गया, डीपीएसपी को नीचे लाया गया। इसके अलावे डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों के बीच में बैलेंसिंग की बात की गई कि दोनों के बीच में संतुलन बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। इसके अलावे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो थे उसको ध्यान से देखेंगे। जजमेंट जो थे सुप्रीम कोर्ट के, पहली बात, मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मूल है, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
मिनरवा मिलके केस के जजमेंट में पहली बात, ध्यान से देखिएगा, पहली बात क्या बोला गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जो है सामाजिक क्रांति के प्रतिबद्धता के मूल हैं, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को ओवरहेल ना करें, ठीक है। सुप्रीमेसी किसकी दी गई? मौलिक अधिकारों की। दूसरी बात, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया, दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया वो ये कहा गया कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है। अनिवार्य विशेषता है क्या है? कंपल्सरी फीचर, बेसिक फीचर। और यहीं पे डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलता है, डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि मौलिक अधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है, कंपल्सरी फीचर है। अब चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे। तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, निर्देशक सिद्धांत हैं, इनके द्वारा निर्धारित जितने भी तथ्य हैं, नीति निर्देशक तत्वों में अगर हम बात करें, सिद्धांतों में बात करें, तो जितने भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, तथ्यों के ऊपर बात करें तो मौलिक अधिकार, ध्यान से समझिएगा, मौलिक अधिकारों द्वारा जितने भी साधन प्राप्त किए गए हैं उसको समाप्त किए बिना ही अप्लाई करना है। मतलब समझ रहे हो आप? मौलिक अधिकार द्वारा जितने भी अधिकार दिया गया है भारत की नागरिक को, इसको समाप्त किए बिना ही इंप्लीमेंट करना होगा डीपीएसपी को। यानी कि डीपीएसपी लागू करना है तो भारत के नागरिकों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होना चाहिए। यह स्टेटमेंट दिया गया, तीसरा स्टेटमेंट दिया गया इसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मिनरवा मिल के केस में। क्लियर रहेगा? चलिए, इसके बाद ये सारी चीजें हो गई, अब बात आती है कि कंक्लूजन क्या निकला। ध्यान से देखिएगा, कंक्लूजन जो आया, इतने सारे केसेस को अगर हम देखें, सारे केसेस के बारे में स्टडी कर लिए, कौन कौन से, पहली चीज हमने देखा चंपकम दोराई राजन केस 1951, आईसी गोलकनाथ केस 1967, 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट, उसके बाद देखा हमने मिनरवा मिल्स। इन सारी केसेस के देखने के बाद जब कंक्लूड करोगे आप, इसको निष्कर्ष निकालोगे, मौलिक अधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में, निर्देशक सिद्धांतों के बीच में, तो क्या मिलता है हमको, ध्यान से देखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता है। नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर, यानी कि डीपीएसपी जो है लेस देन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो है ऊपर है, फंडामेंटल राइट्स का वर्चस्व है। क्लियर? उसके बाद भी निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो लागू किया जा सकता है, ठीक है। सुप्रीमेसी किसकी है? फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन लागू कौन हो रहा है? नीति निर्देशक तत्व। तो कंक्लूजन इस तरीके से निकल रहा है। अब देखिएगा, संसद अगर चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है, केसेस में हमको देखने को मिला कर सकती है, बट जब तक कि संविधान का जो संशोधन है वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना कर, यानी कि भारत की संसद के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए, बशर्ते कि संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना हो, विदाउट क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंक्लूजन क्या क्या निकला? वर्चस्व मौलिक अधिकारों का,
फिर भी लागू कौन होगा? डीपीएसपी। संविधान संशोधन के द्वारा भारत की संसद मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन कर सकती है डीपीएसपी को लागू कराने के लिए, बशर्ते कि बेसिक फीचर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, वो हैम्पर ना हो। ठीक है, चलिए। तो ये था आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अब आगे बढ़ते हैं इंप्लीमेंटेशन के बारे में कि डीपीएसपी का अभी तक का कार्यान्वयन कहां कहां पे हुआ है, इंप्लीमेंटेशन किस किस फील्ड में हुआ है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब जैसे ही डीपीएसपी के क्रियान्वयन की बात होती है, कहां कहां पे इंप्लीमेंटेशन हुआ उसका, तो सबसे पहला हमारे पास आता है लैंड रिफॉर्म्स में, भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार। देश के लगभग सभी कृषि समाज में, ध्यान से देखिएगा, देश के लगभग सभी राज्यों के सभी कृषक वर्ग में, सभी कृषक समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की, ध्यान से देखेंगे, ग्रामीण जनता की स्थिति में सुधार लाने हेतु, सुधार लाने हेतु अलग अलग कानून लाए गए, जिसमें से भूमि सुधार कानून सबसे पहला था। भूमि सुधार कानून लाया गया सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स में। और उन सुधारों में पहले क्या है, ध्यान से देखिएगा, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार, जागीरदार और इमामदार। मतलब जमींदारी खत्म, जागीरदारी खत्म, इमामदारी खत्म, पहला चीज भूमि सुधार में। उसके अलावे दूसरी बात, फिनांसी रिफॉर्म, फिनांसी रिफॉर्म, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फेयर रेंट ईटीसी, काश्तकारी सुधार, फिनांसी रिफॉर्म्स, काश्तकारी सुधार। इस काश्तकारी सुधार में क्या हुआ, तो पहले मेले लगते थे, ठीक है, मेला लगता था, मेला लगने के लिए भी उसको पैसे देने पड़ते थे लोगों को, मेले में सामान बेच रहे हैं तब भी आपको पैसा देना पड़ेगा, ऐसी कुछ चीजें थी उस समय, मेले में पैसा देना पड़ रहा है, बिचौलिया सामने आ रहा है, इंटरमीडियरी आ रहे हैं, जिसको हम लोग आज के टाइम में ब्रोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकर, बिचौलिया। मैं बेचने वाला, खरीदने वाला कोई और, बीच में डील कौन करवा रहा है? तीसरा पर्सन, बिचौलिया। काश्तकारी सुधार में बिचौलियों की खात्मा, ब्रोकर्स को हटाना, साथ ही साथ टेन्योर में रिफॉर्म, कार्यकाल में सुधार। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भूमि जोत वाली भूमि है, खेती वाली भूमि है, जिस पे जुताई हो रही है, खुदाई हो रही है, बुआई हो रही है, तो जोत वाली जो भूमि है उसकी अधिकतम सीमा को निर्धारित करना। लैंड रिफॉर्म्स में किसी एक व्यक्ति के पास कितनी जमीनें अधिकतम हो सकती है, मैक्सिमम लैंड कितना हो सकता है, ये कानून लाना। इसके अलावे जितने भी भूमिहीन मजदूर थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, उनके बीच में सरप्लस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो आपके पास 20 एकड़ है, ठीक है, आपको बोला जा रहा था कि आपको सिर्फ 15 एकड़ रखना है, लेकिन आपने जबरदस्ती बोला नहीं, हम 20 एकड़ ही रखेंगे, तो रिमेनिंग जो 5 एकड़ था, सरप्लस लैंड जो थी, वो भूमिहीन मजदूरों को दे दिया गया, यानी कृषक मजदूर जो थे भूमिहीन, उनको बीच में बांट दिया गया। इसके अलावे क्या हुआ, सहकारी खेती, ध्यान से देखेंगे, सहकारी खेती क्या होता है, सहकारी खेती कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन वाली, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, ठीक है, कोऑपरेटिव वाली एग्रीकल्चर, मतलब हम भी खेती कर रहे हैं, साथ में मिलके आप भी करो, सहकारी खेती। क्लियर रहेगा, चलिए। ये तो बात हो गई लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। अब आता है लेबर रिफॉर्म, मजदूर सुधार। मजदूर सुधार में क्या हुआ, तो गाइस ध्यान रखेंगे,
मजदूर सुधार में लाने के लिए, मजदूरी में सुधार लाने के लिए अलग अलग एक्ट लाए गए, जिसमें से डीपीएसपी तो इंप्लीमेंट किया गया मजदूर में, मजदूरी में सुधार लाने के लिए, मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, तो उसके साथ साथ अलग अलग एक्ट भी आए। पहला एक्ट लाया गया मिनिमम वेजेस का एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डीपीएसपी में बताया था इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और दूसरी चीज मैंने बताया था इतना पैसा देना है उनको, राज्य यह सुनिश्चित करे कि किसी व्यक्ति को इतना पैसा मिले कि उसका जीवन यापन हो पाए, यानी मिनिमम लिविंग वेजेस। यहां पे वेजेस में सुधार लाए गए, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1940 लाया गया, 1948 लाया गया, और इसके साथ साथ कोड ऑफ वेजेस हाल ही में कोड ऑफ वेजेस 2020 लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, कोड ऑन वेजेस 2020 लाया गया, किसमें? लेबर रिफॉर्म्स में, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 का इंप्लीमेंटेशन। अगर हम बात करें लेबर रिफॉर्म्स में तो एक्ट आया कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, CLRA, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 में लाया गया। इसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, यानी बाल मजदूरी का प्रोहिबिशन। कोई भी ऐसा बच्चा जो 14 साल की आयु से कम है कहीं पर भी काम नहीं करेगा, कोई भी हजार्डस मूव अगर हम बात करें इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा, चाहे वो स्टील की हो, केमिकल हो, गैस की हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो जहां पे उसके जिंदगी को खतरा है, कार्य नहीं करेगा, और ऐसा करने पे पाए जाने पे आप सजा के हकदार होंगे। तो इसी केस में एक कंडीशन और बनती है कि मान लीजिए कोई 14 साल का बच्चा नहीं है, वो 12 साल का है, और उसके घर में उसके परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है, उसकी मां है, उसकी छोटी बहनें हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस के लिए क्लॉज ऐड कर दिए गए, क्या? हजार्डस मोमेंट को छोड़ के, हजार्डस एरियाज को छोड़ करके परिवार के जीवन यापन के लिए वो 14 साल से कम उम्र का बच्चा अनुकूलित वातावरण में कार्य कर सकता है, जैसे होटल हो गया, होटल में भी किचन में नहीं, सर्विस में, चाय के दुकान पे चाय देने में है, तो वही कैसे चलाएगा वो अपने परिवार को। लेकिन जहां पे उसके जीवन का खतरा हो उस जगह पे वो कार्य नहीं करे, ठीक है। इसके अलावे चाइल्ड लेबर एक्ट का 1986 में जो आया था उसको चेंज कर दिया गया था 2016 में, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन 2016, क्लियर रहेगा तो ध्यान देंगे। यहां पे अभी तक क्या था? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन था, अभी क्या कर दिया गया? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी सिस्टम 1976, बंधुआ मजदूरी। पहले जमींदार लोग क्या करते थे, कोई टैक्स नहीं देता था तो उनके साथ बहुत गलत होता था, अनएक्सपेक्टेड ह्यूमिलिएशन, आप सोच भी नहीं सकते इस टाइप की जाती थी चीजें। तो लेबर रिफॉर्म्स के द्वारा बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया गया 1976 में। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। के अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। अब मैटरनिटी रिलीफ क्या है, मैंने आपको बताया था डीपीएसपी में मातृत्व अवकाश का प्रोविजन, और इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, क्या ये इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976। अगर एक काम को
उस सेम काम को महिला भी कर रही है पुरुष भी कर रहा है, तो दोनों के लिए जो पे है सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष को आप ज्यादा दे रहे हो महिला को कम दे रहे हो, या फिर महिला को ज्यादा पुरुष को कम मिल रहा है। क्लियर? चलिए, इसके अलावे आता है आपका, इसके अलावे जो चीजें आई मैटरनिटी रिलीफ वाली, मैटरनिटी रिलीफ वाली, ये सब कुछ आपका वोमेन वर्कर जो महिला मजदूर है महिला इंप्लॉय है उन सबके हितों को ही, सुरक्षा हेतु हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये इंप्लीमेंट किया गया। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं कि और कौन से फील्ड में हुआ। अब आता है पंचायती राज सिस्टम। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि सभी विलेज में विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन करें, यानी कि पंचायती राज सिस्टम, यूनिटरी शासन की अगर हम बात करें, यूनिटरी गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। तो यहां पर पंचायती राज सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन हुआ। और पंचायती राज सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़े पैरवीकार बोलो, पक्षकार बोलो, कौन थे? कौन थे? महात्मा गांधी। शुरुआत तो हो चुकी थी, पंचायती राज सिस्टम लागू हो गया था, राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था पंचायती राज सिस्टम। लेकिन पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कब मिली? तो ये मिला 73वां संविधान संशोधन 1992 से। 1992 में भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम की अगर हम बात करें, थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली। भारत के संविधान में इसको जगह मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड की गई थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम को। क्लियर रहेगा? किस तरीके से? तीन स्तर पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारत में ये त्रिन स्तरीय की अगर हम बात करें, तो त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम, पंचायती राज प्रणाली लागू करने की बात कही गई 73rd अमेंडमेंट 1992 में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली, संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज सिस्टम को। क्लियर रहेगा? अब इसमें देखिएगा, अनुच्छेद 40 इंप्लीमेंटेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इन डीपीएसपी। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्रोवाइड कर दी गई पंचायती राज सिस्टम। क्या हुआ? डीपीएसपी लागू हुआ किसमें? पंचायती राज सिस्टम। डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन कहां दिख रहा है हमको? पंचायती राज सिस्टम में। अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, कॉटेज इंडस्ट्री में, कुटीर उद्योगों में। तो जैसा कि हमने डीपीएसपी पढ़ा, तो आर्टिकल 43 हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो राज्यों का कर्तव्य होगा कि लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे। आर्टिकल 43 हमें बताता है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो ये कहां पे इंप्लीमेंट हुआ? ये इंप्लीमेंट हुआ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर उद्योगों में। और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग बोर्ड, अलग अलग समिति, अलग अलग आयोग बनाए गए। और इन्हीं सब में से पहला आयोग आता है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, केवीआईसी, कुटीर उद्योगों के लिए। इसके अलावा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड। हस्तशिल्प क्या है? क्या शहरों में होती है? क्या ग्रामीण परिवेश में हस्तकलाकारी से जुड़ा हुआ, हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ बहुत सारे परिवार निवास करते हैं, और ये आता है कुटीर उद्योग में। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, तो हस्तशिल्प का एक अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड बनाया गया। इसके अलावा रेशम बोर्ड बनाया गया, कयर बोर्ड बनाया गया, सभी के सभी जो हैं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए सहायता प्रदान करते हैं। चाहे आप मार्केटिंग के पर्पस से सोचो या फिर फाइनेंशियल एड एंड असिस्टेंस की बात करो, इन बोर्ड के द्वारा, इन कमीशन के द्वारा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने जाने के लिए बनाया
बढ़ावा देने के लिए यहां पर सहायता प्रदान की जाती है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा, मार्केटिंग पर्पस से भी और इसके एस्टेब्लिशमेंट पर्पस से भी। इसीलिए रिसेंटली आप लोग सुने होंगे कि एमएसएमई जो है भारत के नागरिकों को सब्सिडाइज्ड लोन देगा, सब्सिडी वाला अनुदान वाला ऋण देगा। क्यों? कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि डीपीएसपी एजुकेशन में कैसे इंप्लीमेंट हुआ, एजुकेशन के सेक्टर में कैसे इंप्लीमेंट हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि 86वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को उठा करके कहां रखा गया है, 21A में शिक्षा का अधिकार। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 45 क्या कहता है, डायरेक्ट समझिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा टिल द एज ऑफ 14। अब देखना यहां पर शिक्षा किसके लिए होगी, जब बच्चा 6 साल का होगा और 14 साल तक का रहेगा, क्या रहेगा, निःशुल्क, निःशुल्क शिक्षा। अब देखना 0 से 6 तक के लिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, और 6 से 14 तक के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी होगी। अब 0 से 6 तक का बच्चा कहां रहेगा, 6 वर्ष का जो बच्चा है ये जाएगा क्लास 1 में स्कूल में, तो इससे पहले क्या करेगा, तो इसके लिए राज्य सरकारों ने आंगनबाड़ी की सुविधा खोली है। क्या आंगनबाड़ी, 6 साल तक का बच्चा जो है ये आंगनबाड़ी जाएगा, इसके बाद जाएगा प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय के बाद जाएगा ये मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल के बाद जाएगा ये हाई स्कूल, और हाई स्कूल में अगर हम बात करें तो 10वीं तक की होती है, और 10वीं तक में अपर एज लिमिट 14 की रखी गई है कि 14 साल तक के अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क होगी। तो एजुकेशन सिस्टम में हमको देखने को मिल रहा है कि डीपीएसपी किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है। कब हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, सब पढ़े सब बढ़े, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के जितने बच्चे हैं उनके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की घोषणा की गई। क्लियर रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, रूरल एरिया डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे होगा, जब हम गांव के बारे में सोचेंगे, उसके लिए योजना लाएंगे, उसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाएंगे, कार्यक्रम चलाएंगे, तभी तो ग्रामीण विकास होगा ना। तो राज्य जो है डीपीएसपी इंप्लीमेंट किया गया ग्रामीण क्षेत्र के विकास में, और सबसे पहले अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स लाए गए। पहले लाया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट, समुदाय विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, कब, 1952 में पहली बार, 1952 में लाया गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद 1978 और 79 के बीच चलाया गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP कब चलाया गया, 78 और 79 के बीच में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब। इसके बाद आप लोगों को पता होगा मनरेगा के बारे में, क्या है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये क्या है, ग्रामीण विकास तो है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास ही तो है। तो उसी तरीके से पहला लाया गया 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद लाया गया 2006 में मनरेगा, 1978 और 1971 में लाया गया था IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सारी चीजें डीपीएसपी के आर्टिकल 47 के अंतर्गत लाया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 47 के तहत लाया गया ये सारे प्रोग्राम्स ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु। तो इस तरीके से हमें दिखता है कि डीपीएसपी जो है
रूरल डेवलपमेंट में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और कौन कौन से प्रोग्राम के तहत इंप्लीमेंट किया गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास हेल्थ के सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में स्वास्थ्य क्षेत्र में डीपीएसपी किस तरीके से काम कर रही है, तो आपको याद आना चाहिए कि डीपीएसपी में यह भी लिखा हुआ है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि अपने नागरिकों का स्वास्थ्य जो है किसी और तरीके से हैम्पर ना हो, हानिकारक ना हो या हानि ना पहुंचे। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, इलीगल लिक्योर्स को रोके, शराबबंदी रोके, ड्रग्स रोके या कोई भी ऐसा इलीगल नशा जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उस पर बैन लगाए, डीपीएसपी में कहा गया। अब सेम पैटर्न को लेकर के हेल्थ के सेक्टर में इंप्लीमेंटेशन दिखता है हमें। और हेल्थ के सेक्टर में कौन कौन सी योजनाएं लाई गई, किस तरीके की लाई गई, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना। इसके अलावे NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया गया राज्यों में स्वास्थ्य सुविधा हेतु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य मिल पाए, इसलिए डीपीएसपी के ये सारे फ्री की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य हेतु चीजों को लागू किया गया, डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन हुआ। अब आते हैं सामाजिक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना, इसका इंप्लीमेंटेशन भी हर जगह पे देखने को मिलता है। आपका स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग स्वास्थ्य हेतु कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए। कभी कभी आप देखे होंगे जैसे अभी हाल ही में जो पेंडेमिक का सिचुएशन बना, इसमें क्या हुआ, फ्री वैक्सीनेशन। क्या था ये, कि भारत की जनता कोविड से परेशान ना हो, कोविड ना हो लोगों को, इसलिए फ्री वैक्सीनेशन की फैसिलिटी दी गई। इसके अलावा बूस्टर डोज का प्रोविजन लाया गया, डोज वन डोज टू के बाद बूस्टर डोज, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। ये किस लिए है, ये हेल्थ सेक्टर में इंप्लीमेंटेशन ही तो है डीपीएसपी का, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एनवायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के मामले में कैसे लाया गया। तो हमने पढ़ा था डीपीएसपी में कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वन, वन्य जीव, नदियां, झीलों तथा वनों का संरक्षण करें। इसके अलावा हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी यह कहा गया है कि भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वन एवं वन्य जीव तथा वन पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु सदैव तत्पर रहें। क्लियर रहेगा, भारत की नागरिकों की यह कर्तव्य बनता है कि वन एवं वन्य जीवों, नदियों, झीलों का संरक्षण करें। और सेम कंडीशन क्या रखा गया है डीपीएसपी में भी, आप फंडामेंटल ड्यूटी, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, आप चाहें तो फॉलो करें, नहीं चाहते हैं तो मत करें। आपको फंडामेंटल ड्यूटी के आर्टिकल के तहत कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन डीपीएसपी में अलग अलग एक्ट लगाए गए हैं, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन एक्ट, ये सारे एक्ट्स लगाए गए हैं। और ये एक्ट के वायलेशन के अगेंस्ट में आपके ऊपर केसेस लगाए जा सकते हैं, आप जो है बिहाइंड द बार रखे जाने के हकदार होंगे अगर आप इन सारे एक्ट को एबोलिश करते हैं तो पर्यावरण के फील्ड में अगर हम बात करें, इन्वायरमेंट के फील्ड में बात करें, तो डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन हुआ है। और डीपीएसपी जहां पे इंटरेक्ट की है, इंटर करी है, इंटरफेरेंस जहां पे डीपीएसपी का दिखता है इन्वायरमेंट में, तो वहीं पे आता है एक्ट। तो इन्वायरमेंट में सबसे पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट,
चाहिए, मर्जी है आपकी। फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि वन जीवों का संरक्षण करें, करें या ना करें आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर किसी वन्य जीव को आप मार दीजिए, देखिए काले हिरन के केस में आज तक कंडीशन क्या चल रही है, हुआ था ना काला हिरन का शिकार का हंटिंग केस आया था ना, अभी तक चल रही है, तो आप सजा के हकदार हैं, उसके लिए प्रॉपर एक एक्ट बना हुआ है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव या वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1972 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया। इसके अलावे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा तो इसके साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी आएंगे, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो या और कोई भी मीडिया हो, और इसके लिए वाटर एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट लाया गया, किसके द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा वाटर एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट भी लाया गया। तभी तो कहते हैं दिवाली में पटाखे मत छोड़ो, एयर पॉल्यूशन होगा, होली के टाइम में ज्यादा पानी मत बहाओ, ये क्या है, वाटर कंजर्वेशन ही तो है, जल संरक्षण। आजकल अलग अलग नारे दिए जाते हैं, जल ही जीवन है, जल संरक्षण करो, वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने हेतु इन्वायरमेंट के सेक्टर में डीपीएसपी यानी राज्य जो है अलग अलग टाइप के एक्ट लगा करके, अलग अलग बोर्ड बना करके इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है। क्लियर है, क्लियर है, चलिए अब आता है इन्वायरमेंट के बाद हमारे पास हेरिटेज प्रिजर्वेशन, हेरिटेज प्रिजर्वेशन। अब ये हेरिटेज क्या है, तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 50 डीपीएसपी, क्या नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजों के बारे में हमने पढ़ा था ना, डीपीएसपी में हमने पढ़ा था कि जितनी भी चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस की है उसका संरक्षण करना है, इसका जिम्मेदारी है राज्यों का, और जब आप फंडामेंटल ड्यूटी में भी जाएंगे वहां भी आप पढ़ेंगे कि नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं उसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी भारत के नागरिकों को भी है। तो यहां पर हेरिटेज प्रिजर्वेशन में किस तरीके से डीपीएसपी काम करती है, अब गए आप ताजमहल देखने, ताजमहल देखने गए आप, और ताजमहल देखने गए आप फंडामेंटल ड्यूटी बोले कि हमारा कर्तव्य है, हम करें या ना करें हमारा क्या होगा, आप चले गए ताजमहल और जाके वहां से संगमरमर की प्लेट उखाड़ रहे हैं, ठीक है, संगमरमर की प्लेटें उखाड़ रहे हैं, या फिर आप चले गए दिल्ली लाल किला, वहीं पे आप लाल किला के ऊपर कील लगा करके वहां पे कपड़े सुखा रहे हैं, तो ठीक है फंडामेंटल ड्यूटी के तहत तो आप सजा के हकदार नहीं होंगे, लेकिन डीपीएसपी में जो प्रिजर्वेशन का एक्ट है उसके तहत तो आप बिहाइंड द बार होंगे ना, आपको सजा तो हो सकती है क्योंकि हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक्ट है हमारे पास। तो हेरिटेज प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी एंशियंट और हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हमारे यहां, ऐतिहासिक, प्राचीन, प्राचीन के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जितने भी हैं हमारे, सभी के प्रिजर्वेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है या राज्यों की है, तो इसके लिए एक्ट बनाएगा भाई। अब कोई जा रहा है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास से अब वहां पे लोहे का किल लगा रहे हो आप, उसके आसपास की जमीनों को खाली कर रहे हो, पता चल रहा है कुतुब मीनार के बाजू में जाकर के 3 मंजिला बिल्डिंग बना दिए, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो मॉन्यूमेंट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजों का प्रिजर्व करना, ये डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, या पुरातात्विक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है या प्राचीन स्थल है, इन सभी के लिए अधिनियम 1958 में अधिनियमित किया जा चुका है।
हेरिटेज प्रिजर्वेशन एक्ट 1958 भारत में लागू है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो ये था आज का डीपीएसपी से रिलेटेड सेकेंड लेक्चर। होप सो कि यहां तक आपको डीपीएसपी सारी क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने इसमें पढ़ा फैक्ट्स के बारे में, डीपीएसपी के फैक्ट्स क्या है। हमने पढ़ा कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में, हमने पढ़ा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। इसमें हमने चार केसेस देखे, चंपकम दोराई राजन, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजनारायण। ठीक है, चार केसेस देखे हम। इसके अलावे हमने देखे डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन किस किस फील्ड में हुआ, लेबर रिफॉर्म में, उसके बाद वेजेस रिफॉर्म में, लैंड रिफॉर्म्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में, रूरल डेवलपमेंट में, और रूरल डेवलपमेंट के अलावे देखा हमने इन्वायरमेंट में, पंचायती राज सिस्टम। टोटल हम लोगों ने देखा 9 सेक्टर्स डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन। तो अब यहां तक हो सकता है, आई होप सो कि आप लोगों को यहां पर डाउट नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है। अगर फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम एक अच्छा एजुकेशनल कम्युनिटी डेवलप कर पाए और हम हर एक चीजों को 1-to-1 कम्युनिकेट करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे वो CGPSC हो, UPSC हो, किसी भी टाइप का आपका प्रिपरेशन चल रहा हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, व्यापम हो, या अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो हम यहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करें। सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, कब आपको रिलेटिव स्टडी करनी है, कब आपको सब्जेक्ट के डेप्थ में जाना है, और किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे कितना फोकस रखना है, इन सारी चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, तभी तो इन सारी चीजों में आप इन्वॉल्व हो पाओगे यार। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए लेक्चर के साथ। ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। प्रिपरेशन करना है, मंजिल तो मिलेगी ही, कोशिश करते रहनी है। ओके, थैंक यू सो मच।